बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। और जी, मेहमान हमारे घर ही थे और रात रुके थे, बच्चे थे सारे और अम्मी थी और एक भाभी और एक सिस्टर रुकी थी। और यहाँ पे जी बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था, बहुत ठंडी हवा चल रही थी। और यहाँ पे जी जो हमने पौधे लेके आए थे वो हमने गमलों में लगा लिए। ड्राइंग रूम में सारे बच्चे बैठे हुए थे और मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि जल्दी जल्दी से पप्पो के साथ हम पार्क में चले, क्योंकि बच्चों की ज़िद थी, बच्चों की विश थी, समझ लें कि वो कह रहे थे जब हमने अपने पप्पो के घर जाना है तो हमने सुबह सुबह पार्क में जाना था। और अल्लाह की तरफ से जी मौसम भी बहुत ही प्यारा और ठंडा हो गया था। फिर हम पार्क में गए और माशाल्लाह से देखे कितना प्यारा मौसम है। और जी बारिश भी हल्की हल्की सी स्टार्ट हो गई थी, फिर थोड़ी देर ही हम पार्क में रुके थे और बारिश स्टार्ट होने की वजह से फिर हम जल्दी जल्दी से घर आ गए। और यहाँ पे बच्चे बहुत ही माशाल्लाह से इंजॉय कर रहे थे, फ़न कर रहे थे, और बारिश की वजह से हमें जल्दी घर वापस जाना पड़ गया। पार्क से घर आने के बाद जी हमने नाश्ते की तैयारी करनी स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पर मैं बना रही थी चाय और दूध बॉयल कर रही थी। फिर चाय में मैंने इलायची वाली चाय बनाई थी। और यहाँ पे जी मैं रात वाला जो सालन था वो गरम कर रही थी। साथ में हमने चने और नान मंगवाए थे। पहले हम सालन जो था वो अलग रखना था, फिर ना सबने कहा कि आप चनों में ही सालन को मिक्स कर दो। फिर मैंने मिक्स कर दिया और चने इतने टेस्टी हो गए थे कि बहुत ही मज़ा आया। और साथ में दही था, लस्सी और चाय थी। और पहले तो हमने गराज में यानी कि नाश्ता करना था, तो गराज में जो ना एक तो बारिश होने लगी और बारिश तो इतनी उधर नहीं आ रही थी, गाड़ी असल में खड़ी थी किसी की सामने वालों की। फिर हमने ना टीवी लाउंज में ही नाश्ते का यानी सेटअप कर लिया और वहाँ पे हम बैठ के और नाश्ता करने के लिए यहाँ पे मैं मिनाल को भी नाश्ता साथ करवा रही थी। ऐसा मैंने अपने लिए चने लिए हैं और साथ में मैंने दही लिया है। और ये जो मक्खियाँ ना हमें बहुत ही तंग करी, क्योंकि आजकल मक्खियों का मौसम है तो मक्खियाँ आने लग जाती हैं। यहाँ से मैं आपको दिखा रही थी टीवी लाउंज से बारिश दिखा रही थी, देखिए कितना माशाल्लाह से कितना प्यारा मौसम हो गया और कितनी प्यारी बारिश हो रही थी। और ये देखें जी बारिश, ये किसी बच्चे ने क्लिप बनाया था, मैंने कहा मैं ये भी ऐड कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद नाश्ते के बाद जी हम सारे गिराज में कोई ऊपर छत पे नहाने के लिए चले गए। ये देखें हमारी गली कितनी फुल पानी से भरी हुई है। और इस बारिश के मौसम में एहतियात करनी चाहिए, बच्चों को बिल्कुल भी बाहर नहीं निकालना चाहिए क्योंकि बिजली की तारों वगैरह का मसला होता है। और ये बच्चा ना साइकिल पे जा रहा था, मैंने कहा चले मैं आप लोगों को बता दूँ। और जब भी बारिश होती है हमारी गली जो है ना फुल ऐसे ही भर जाती है। और ये सामने वालों की कार जो हमारे घर खड़ी थी वो थी। और यहाँ पे जी हम टेरेस पे आ गए थे और टेरेस से मैं ना थोड़ा सा व्यू दिखा रही थी। और यहाँ पे जी शाल फातिमा अपनी वीडियो बनवा रही थी, बारिश में नहा रही थी और घूम रही थी। और हमने बहुत ही मज़ा किया बच्चों के साथ, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, मैंने भी बहुत किया और बहुत मज़ा आया हमें। और ये जो केक था, ये जो केक था ये मेरे भाई ले गए थे रात को, और ये दिखाना मैं रात को भूल ही गई। फिर पहले तो हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था, उसके बाद जी सबको ना भूख लग रही थी हल्की हल्की सी, तो मैंने कहा चले हम ना केक काट लेते हैं। और ये देखे फिर मक्खी आ गई बीच में। और ये जो स्टार ऊपर चॉकलेट के पीसेस लगे हुए थे, बच्चे कह रहे थे मैंने लेना मैंने लेना, फिर मैंने इनको ना साइड पे उतार के रख दिया और पीसेस करके फिर मैंने सबके लिए अलग अलग डाल दिया। और फिर जी ये देखे जी बर्तन हेल्पर आके सारे बर्तन वॉश कर गई थी। और फिर हमने चारपाई बिछा के और बर्तन जो थे वो ड्राई करने के लिए रख दिए। यहाँ पे जी अगला दिन था और टेरेस पे हम आए हुए थे और मीनाल फातिमा बहुत ही इंजॉय कर रही थी, बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी। और यहाँ से हमने बाज़ार से ना पकोड़े मंगवा के खाए। और ये फ्राइडे वाला दिन है और यहाँ पे हम पकोड़े खा रहे थे। फिर जी ये रात का टाइम है, बारिश होने की वजह से ना कपड़े जो सारे थे ना मैंने ड्राइंग रूम में डाले हैं ताकि वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, क्योंकि बारिश की वजह से कपड़े नहीं ड्राई हो रहे और इसलिए मैंने इधर डाल दिए हैं। और फिर ये रात का टाइम था और फिर जी हमने मंगवाया था पिज़्ज़ा और पास्ता। मेरे हस्बैंड कह रहे थे पास्ता मंगवाना है, मैंने कहा
आप पिज़्ज़ा भी मंगवा ले, कहते नहीं एक ही चीज़ मंगवानी। मैंने कहा नहीं पास्ता मुझे नहीं इतना पसंद, आप मेरे लिए पिज़्ज़ा मंगवा लें। फिर हमने पिज़्ज़ा और पास्ता मंगवाया और फिर हमने खाया, बहुत ही मज़ा आया। छोटे होते भी हम कोई पोएम पढ़ते थे तो उसमें कहते थे हमने खाया, बहुत ही मज़ा आया, वो वाला हिसाब है। और यहाँ पे पास्ता भी खा रहे थे और पिज़्ज़ा भी खा रहे थे, बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे, मैं भी कर रही थी। और जी है मेरा आज का व्लॉग इतना ही सा है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। और दुआओं में याद रखिएगा प्लीज़। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।